Hello radiographers, I am also a radiographer. My name is Amir Sayyed and today we are going to see live CT scan of abdomen pelvis triple phase contrast, or we can say triphasic abdomen contrast scan. So today we will see how to do planning and how to do scan, FOV कैसे सेट करना है, कितना कॉन्ट्रास्ट देना है, प्लानिंग कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस आज हम देखेंगे. तो जो हम स्कैन करने वाले हैं वो जी रेवोल्यूशन मशीन के सॉफ्टवेयर पे करने वाले हैं, इस सॉफ्टवेयर पे. तो सबसे पहले आपको पेशेंट को पोजीशन देना है, आईवी वगैरह लगाना है, पेशेंट को स्कैन के बारे में एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देना है ब्रेथ होल्ड के लिए, और आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि जब मेडिसिन देंगे तो थोड़ा वार्म फील होता है. ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको पोजीशन देते टाइम पे ही पेशेंट को बता देना है कि पेशेंट घबराए नहीं, या फिर घबरा के हाथ ना खींचे, या फिर मूवमेंट ना करे, हिल डूलिंग पेशेंट. तो इसलिए आपको पहले ही पेशेंट को पूरा कुछ एक्सप्लेन करना है तो पेशेंट आपको अच्छी तरह से कॉपरेट करेगा और आप स्कैन अच्छे से कर सकते हैं. तो ये सारा कुछ रेडी करने के बाद में, पेशेंट को पोजीशन देने के बाद में, ब्रेथ होल्ड के लिए इंस्ट्रक्शन देने के बाद में, आपको यहाँ पे स्कैन के लिए बाकी का प्रोसेस करना है. और आपको एब्डोमेन के लिए जो पोजीशन है वो लोअर चेस्ट पे या फिर मिडिल चेस्ट में आप यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक मिड ऑफ स्टर्नम, मिडिल स्टर्नम में आप यहाँ पे लेजर देके जीरो करके आना है आपको, और फिर स्कैन स्टार्ट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. सो रेडियोग्राफर्स, इस तरह से आपको पहले एंट्री कर लेना है, पेशेंट का आईडी, पेशेंट का नाम, एज, एग्जाम डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ डिटेल डालने के बाद में आपको एनाटॉमिकल सिलेक्शन करना है. अभी हम एब्डोमेन पेल्विस ट्रिपल फेज स्कैन कर रहे हैं, तो आपको एब्डोमेन के रीजन पे क्लिक करना है और यहां से एब्डोमेन पेल्विस ट्रिपल फेज स्कैन वाला प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लेना है. ये प्रोटोकॉल सिलेक्ट करने के बाद में एक्सेप्ट करना है. फिर आपको यहाँ पे दो टोपोग्राम शो होगा, पेशेंट का पोजीशन परफेक्ट नहीं है, जीरो नहीं किया हुआ मशीन में, इसलिए रेड दिखा रहा है. मैं पोजीशन दे के आता हूँ, वापस से स्कैन स्टार्ट करेंगे. तो पोजीशन मैंने वापस से दे दिया हूँ. यहाँ पे आपको दो टोपोग्राम शो हो रहा होगा. स्काउट प्लेन में एक जीरो है और एक 90 है. जीरो मतलब एपी और 90 मतलब लैटरल टोपोग्राम है. मैं एंड लोकेशन I600 डाल देता हूँ बिकॉज पेशेंट हाइटेड है. तो I600 इसलिए कि मैंने जहां पे लेजर दिया हूं वहां से इन्फीरियर साइड में, आई मतलब इन्फीरियर साइड में 600 mm का एरिया कवर करेगा. S0 सुपीरियर साइड में मतलब जहां पे हमने लेजर दिया है उस जीरो लोकेशन से नीचे की तरफ में 600 mm का एरिया कवर करने वाला है टोपोग्राम में. इसके बाद कंफर्म करना है. कंफर्म करने के बाद में मूव का बटन ब्लिंक होगा, तो मूव का बटन प्रेस करना है आपको रिमोट पे, और उसके बाद में जब रिमोट पे स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा तो आपको स्टार्ट का बटन प्रेस करना है. एक लंबी सांस लो, सांस रोक के रखो. और ब्रेथ होल्ड के लिए आपको पोजीशन देते टाइम पे ही पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली. कॉन्ट्रास्ट जब जाता है तो वार्म लगता है, ये भी सब कुछ आपको स्कैन करने से पहले ही, पोजीशन देते टाइम पे ही आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है. वापस से रिमोट पे मूव का बटन ब्लिंक हुआ, मैंने मूव का बटन प्रेस किया और अब स्टार्ट का बटन ब्लिंक हो रहा है तो वो प्रेस करना है. तो अब सेकेंड टोपोग्राम आ रहा है. ये अभी तो ये हमारा सेकेंड टोपोग्राम आ गया. उसके बाद में नेक्स्ट रीज करना है. अब हम प्लेन स्कैन का प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लेन स्कैन का प्लानिंग करने के लिए आपको लोअर लंग, लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट आपको कवर करना होता है बिकॉज लिवर जो है लंग के चेस्ट के थोरेसिक रीजन में आता है. तो अगर आप नीचे से कवर करेंगे तो लिवर कट हो सकता है, इसलिए आपको लोअर लंग कवर कर लेना है इस तरह से. और प्लेन स्कैन में और कॉन्ट्रास्ट स्कैन में भी आपको स्क्रोटम पूरा कवर करना है इस तरह से. मेल पेशेंट है तो स्क्रोटम आपको पूरा करना है, और फीमेल पेशेंट तो आप सिर्फ प्यूबिक बोन तक का कवर करेंगे तो भी चलेगा. तो इस तरह हो गया. आपको ध्यान देना है कि एफओवी जितना हो सके उतना कम से कम रखना है. जितना एफओवी आपका कम रहेगा उतना अच्छा स्कैन आएगा आपका. इसके बाद कंफर्म करना है और रिमोट पे मूव का बटन ब्लिंक होता है तो उसे प्रेस कर देना है. इसके बाद स्टार्ट का बटन ब्लिंक हो रहा है तो आपको स्टार्ट का बटन प्रेस करना है. एक लंबी सांस लो, सांस रोक के रखो.
तो ये अब हमारा प्लेन स्कैन आ रहा है। ये हमारा प्लेन स्कैन आ रहा है। सांस छोड़ दीजिए, सांस छोड़ दीजिए। स्कैन अभी एंड नहीं हुआ है, पर फिर भी मैंने सांस छोड़ने के लिए बोल दिया हूँ पेशेंट को, बिकॉज इस मशीन में इसका स्कैनिंग टाइम बहुत ज्यादा लेता है। ये ऑलमोस्ट 30 सेकेंड का टाइम सिर्फ, ये 32 सेकेंड का टाइम इसने सिर्फ प्लेन स्कैन में लिया है। तो इतना टाइम तक का पेशेंट को सांस रोकने में मुश्किल हो सकती है, और पेशेंट अगर जबरदस्ती सांस रोकने की कोशिश करेगा तो वो हिल सकता है। तो इसलिए अगर प्यूबिक बोन पे जैसे ही स्कैन पहुंचता है ये इलियक क्रस्ट पे, तो आप सांस छोड़ने को बोल सकते हैं। अगर इसके नीचे पेशेंट सांस नहीं भी रोकता है, पेल्विस रीजन का अगर स्कैन हो रहा है, तो उसमें मोमेंट वाले आर्टिफैक्ट नहीं आएंगे, मोशन वाले आर्टिफैक्ट नहीं आएंगे। तो जैसे ही इलियक क्रस्ट पे स्कैन पहुंचता है आप सांस छोड़ने के लिए पेशेंट को बोल सकते हैं। प्लेन स्कैन हो गया, अब मैं एक्सरेज करूंगा और अब मैं प्लानिंग करूंगा आर्टेरियल, पोर्टल और वेनस के लिए। तो हम आर्टेरियल फेस, अब मैंने आर्टेरियल फेस पे क्लिक किया, आप येलो देख सकते हैं ये, तो आर्टेरियल फेस जहां वहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जहां से मैंने प्लेन स्कैन स्टार्ट किया था, और एंड करना है आर्टेरियल फेस को इलियक क्रस्ट पे। ये जो इलियक क्रस्ट आपको शो हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, इसे आप यहां देख सकते हैं, ये इलियक क्रस्ट है, जो ये पेल्विस वाला बोन यहां पे कवर एंड करना होता है आर्टेरियल फेस। और अब आपको पोर्टल फेस पे क्लिक करना है, पोर्टल वाले पे, तो इसको स्टार्ट नीचे से करना है जहां पे हमारा आर्टेरियल फेस खत्म हो रहा है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और इसको एंड करेंगे वहां पे जहां पे आर्टेरियल फेस स्टार्ट हो रहा था। फिर हम वेनस फेस पे क्लिक करेंगे, और वेनस फेस भी वहां से स्टार्ट होगा जहां से हमारा आर्टेरियल फेस स्टार्ट हुआ था, और उसको एंड करेंगे यहां पे जहां पे हमने प्लेन स्कैन को एंड किया था, मींस स्क्रोटम पूरा कवर करना है। पोर्टल फेस को हमें यहां पे एंड करना है जहां पे हम आर्टेरियल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं। आर्टेरियल फेस जो रहेगा आपका, आर्टेरियल फेस ये हेड टू फीट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हैं, मतलब स्कैन यहां से स्टार्ट होगा और ये एम्प्टी रेड बॉक्स है, तो यहां पे एंड होगा। अब मैंने पोर्टल फेस पे क्लिक किया, पोर्टोवेनस फेस, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ खत्म होगा। तो ये यहां पे स्टार्ट हो रहा है, ये रेड बॉक्स देख रहे हैं आप, और यहां पे एम्प्टी रेड बॉक्स है। हाँ, तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड होगा ऊपर की तरफ। फिर वेनस फेस, तो ये अब हम वेनस फेस पे देख रहे हैं, ये वेनस फेस पे आ गए हम, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ में एंड होगा। और इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अब आपको स्मार्ट ट्रिप सेट करना है, तो स्मार्ट ट्रिप पे क्लिक करना है। और इसको है ना आपके लिए सबसे इजी वे, जहां पे हमारा आर्टेरियल फेज स्टार्ट हो रहा है I-69 पे, जहां पे I-69 पे आर्टेरियल फेज स्टार्ट हो रहा है, आप स्मार्ट ट्रिप का लोकेशन भी मैन्युअली वो डाल सकते हैं कीबोर्ड से I-69। और माउंटेन डिलीट जो है 8 सेकंड, इसे आप 10 कर लीजिए, और इन्हांसमेंट थ्रेशोल्ड आपको 100 रखना है। इसके बाद में एक्सेप्ट करना है और कंफर्म करना है, कंटिन्यू। और रिमोट पे मूव का बटन ब्लिंक होगा, तो आपको मूव करना है। और अब रिमोट पे स्टार्ट का बटन ब्लिंक हो रहा है, तो आपको स्टार्ट के बटन पर प्रेस करना है। तो यहां पे आपको एक इमेज कैप्चर करके देगा जो हमने स्मार्ट ट्रिप के लिए सेट किया था। तो ये जो डिसेंडिंग एओटा है, हम यहाँ पे इसे ट्रिगर सेलेक्ट करेंगे और ट्रिगर को हम ये डिसेंडिंग एओटा पे प्लेस करेंगे। आपको मैं दिखाता हूं, इस तरह से डिसेंडिंग एओटा पे इसे प्लेस करना है और इसे छोटा कर देना है, और मॉनिटर फेस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। तो मॉनिटर फेस का क्या यूज है कि जब मैं स्कैन कॉन्ट्रास्ट स्टार्ट करूंगा, तो जब डिसेंडिंग एओटा पे कॉन्ट्रास्ट पहुंच जाएगा, 100 HU का कॉन्ट्रास्ट जब डिसेंडिंग एओटा पे पहुंच जाएगा, तो स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और इन केस अगर कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता है, डिसेंडिंग एओटा पे पहुंचने के बाद भी स्कैन स्टार्ट नहीं होता है, तो आपको वो टाइम पे स्कैन फेस पे क्लिक करना है, मीन्स वो मैन्युअली स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी ट्रिगर यहाँ पे डिसेंडिंग एओटा पे रखा हूँ, और आपको कॉन्ट्रास्ट पहले से ही सेट करके रखना है। तो मैं कॉन्ट्रास्ट और स्कैन दोनों को एक साथ ही स्टार्ट करूंगा। तो ये अभी पॉज हो चुका है, ये आपको वापस से करना पड़ेगा। मॉनिटर फेस में वापस से क्लिक करता हूं, और अब कॉन्ट्रास्ट और स्कैन दोनों ने साथ में स्टार्ट करूंगा। उससे पहले पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना है,
अभी आपके हाथ से दवा जाएगा, बदन में हल्का गर्म लगेगा, हाथ नहीं खींचना बिल्कुल भी और हिलना नहीं आपको। कॉन्ट्रास्ट सेट करने के बाद स्कैन और कॉन्ट्रास्ट दोनों एक साथ में स्टार्ट करना है। आपके हाथ से दवा जा रहा है, हाथ नहीं खींचना बिल्कुल भी, हिलना नहीं। तो 10 सेकंड का जो हमने डिले टाइम रखा था, वो 10 सेकंड होने के बाद में हमें ये इमेज कैप्चर करके दिखाएगा कि कॉन्ट्रास्ट आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है। कॉन्ट्रास्ट आ गया। सांस रोक के रखो, सांस रोक के रखो। कॉन्ट्रास्ट वहां पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक स्कैन स्टार्ट हो जाता है। आपको सांस रोकने के लिए मैन्युअली बोलना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑटो वॉइस रखेंगे तो टाइम और ले लेगा स्कैन स्टार्ट होने में। सांस छोड़ दो, एक लंबी सांस लो, सांस रोक के रखो। अभी हमारा पोर्टल फेज आ रहा है। अब हमारा पोर्टल फेज जो है नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। आप यहां देख सकते हैं नीचे से स्टार्ट हुआ और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हो गया और अब ये वेनस फेज आ रहा है। अब ये वेनस फेज स्टार्ट होने वाला है। तो यह हमारा विनस फेज आ रहा है। वैसे इस पेशेंट को लीवर में कोई पैथोलॉजी नहीं है, मोस्टली लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सांस छोड़ दो, सांस छोड़ दो। लीवर में अगर कोई पैथोलॉजी होती है तो ही हम ट्रिपल फेज करते हैं। अगर पेशेंट सोनोग्राफी करता है पेशेंट और उसमें कुछ लीजन या एब्सेस दिखता है तो ही हम ट्रिपल फेज करते हैं, अदरवाइज डुअल फेज इनफ होता है। तो ये ट्रिपल फेज का स्कैन हो चुका। मैं आपको एक बार बता देता हूँ टाइमिंग किस तरह से सेट करना है, मैं आपको वो नहीं बताया था। आपको बैक करना है, मैं बैक करके बता रहा हूँ। तो जो हमारा आर्टेरियल फेज का डिलेड टाइम था, मीन्स हमने जो स्मार्ट ट्रिप सेट किया था डिसेंडिंग एओर्टा पे कॉन्ट्रास्ट पहुंचने के बाद में 10 सेकंड बाद में स्कैन स्टार्ट होने वाला था। तो डिसेंडिंग एओर्टा पे पहुंचने के बाद आर्टेरियल का डिलेड टाइम था कि 3.5 सेकंड में स्टार्ट होने वाला था स्कैन, और ये होने के बाद में पोर्टल फेज का 5.7 सेकंड का टाइम था, और पोर्टल फेज होने के बाद में वेनस फेज के लिए 10 सेकंड का टाइम था। तो ये इसलिए रखा हूं मैंने क्योंकि आपका जितना भी कॉन्ट्रास्ट का स्कैन होता है ये 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, 60 सेकंड के अंदर। तो आपको ये काउंट करना है, 16 सेकंड का मेरा आर्टेरियल फेज का स्कैन था, 16 सेकंड का पोर्टल फेज का स्कैन था और 32 सेकंड का वेनस फेज का स्कैन था। तो ये सारा कुछ काउंट करके आपको इस तरह से सेट करना होता है। अगर आप जीवी रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से टाइमिंग सेट कर सकते हैं आर्टेरियल का, पोर्टल का और वेनस का। तो मैंने आर्टेरियल का 3.5 सेकंड रखा था, वेनस का 5.7, पोर्टल का 5.7 और वेनस का 10 सेकंड रखा था। अगर आर्टेरियल का, पोर्टल का आप 3 सेकंड कर सकते हैं तो 3 सेकंड भी रख सकते हैं। हाँ, तो अभी नेक्स्ट रेस करते हैं। मैं अभी जाके पेशेंट का आईवी डिस्कनेक्ट करता हूँ, पूछ के आता हूँ पेशेंट को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो मैंने पेशेंट का आईवी डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ अभी। तो कॉन्ट्रास्ट देने के 5 से 7 मिनट बाद में आप डेली स्कैन कर सकते हैं। तो पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं। हमें डेली स्कैन में स्क्रोटम पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है और लीवर भी पूरा कवर करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ किडनी के ऊपर से कवर करना होता है स्कैन। तो मैं थोड़ा प्लानिंग कम कर लिया हूं इतना, और हम एक बार देख लेते हैं कॉन्ट्रास्ट देके कितना टाइम हुआ है। तो मॉनिटर में, तो जो कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टर का मॉनिटर होता है उसमें टाइम शो होता है कि कितना टाइम हुआ है, बट मैं आपको दूसरा टेक्निक भी दिखा देता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप यहां से पेशेंट सिलेक्ट करेंगे और उसका जो कॉन्ट्रास्ट वाला स्कैन था उसे आप डबल क्लिक करके व्यूअर में ओपन कर लीजिए, व्यूअर में या फिर रीफॉर्मेट में। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 11:49 को मैंने स्कैन किया था कॉन्ट्रास्ट का और अभी 11:56 हो रहा है। तो ये 6 मिनट हो चुका है, तो मैं अभी डिलीट स्कैन कर सकता हूं। तो एग्जाम आरएक्स में वापस आना है और कंफर्म करना है, और उसके बाद रिमोट पे मूव का बटन ब्लिंक होता है तो आपको मूव का बटन प्रेस करना है, और जब स्टार्ट का बटन ब्लिंक होता है तो आपको स्टार्ट करना है इस तरह से। तो ये अब हमारा डिलीट स्कैन आ रहा है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिवर कवर नहीं हुआ है पूरा। डिलेट स्कैन में हमें सिर्फ केयू भी देखना होता है, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर देखना होता है, तो ये डिलेट स्कैन आ रहा है। सांस छोड़ दो, तो ये परफेक्टली डिलीट स्कैन आ चुका है, जो कि कॉन्ट्रास्ट दोनों किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है, दोनों किडनी से बाहर आ रहा है, यूरेटर में भी आ गया है और ब्लैडर में भी आ गया है। तो डिलीट में हमें यही देखना होता है कि दोनों किडनी कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रीट कर पा रहा है कि नहीं, इसका एक्सक्रीशन कैसा है, किडनी का फंक्शन कैसा है, तो हमें ये देखना होता है। ब्लड तक का कॉन्ट्रास्ट पहुंच चुका है, तो ये कंप्लीट डिलीट स्कैन हो चुका है। तो अब हमें नेक्स्ट रीज करना है और एंड एग्जाम करना है और उसके बाद कंप्लीट करना है। तो ये हमारा ट्रिपल फेस का स्कैन हो चुका है। आपको मैं एक बार स्कैन दिखा देता हूं। इमेज वर्क्स में आएंगे आप, तो पेशेंट के नाम पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो हमारा ये टोपोग्राम, फिर प्लेन स्कैन, प्लेन थिन, आर्टेरियल, पोर्टल, वेनस, आर्टेरियल थिन, पोर्टल थिन, वेनस थिन और फिर डिलीट और उसके बाद में डिलीट थिन। तो इस तरह से ये स्कैन होगा। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वॉज द कम्प्लीट स्कैनिंग प्रोसेस ऑफ एब्डोमेन पेल्विस ट्रिपल फेस कॉन्ट्रास्ट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रास्ट कितना देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, ये आपको पेशेंट के वेट और पेशेंट के एज पे डिसाइड करना होगा, उस पर डिपेंड होता है पेशेंट के वेट पे और एज पे। तो लाइक ये जो मैंने अभी स्कैन किया हूं, इस पेशेंट का वेट 65 था, तो मैंने इसे 80 ml कॉन्ट्रास्ट दिया था, 65 के अबव था तो मैंने 80 ml दिया था कॉन्ट्रास्ट। तो आप जितना भी, अगर अडल्ट पेशेंट है तो जितना भी वेट है उससे 10 से 15 ml आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं, या बच्चा है तो उसमें अलग केस होता है। और हाँ, टाइमिंग कैसे कितना सेट करना है, आर्टल फेस का डिलीट टाइम, पोर्टल फेस का और वेनस फेस का टाइमिंग कैसे सेट करना है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक स्कैन आपको शो करता हूँ। लाइक मैंने एक एंट्री ले लिया 1 2 3 ABCD, ऐसे करके मैं एक ट्राई फेज वाला, ट्रिपल फेज एब्डोमेन पेल्विस वाला मैंने प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया। टोपोग्राम हमने ले लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट रीज कीजिए, फिर नेक्स्ट रीज। तो मैं अभी कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कितना आपको टाइम सेट करना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कॉन्ट्रास्ट देने के बाद 1 मिनट के अंदर, मीन्स डिसेंडिंग एओर्टा पे कॉन्ट्रास्ट पहुंचने के बाद में 1 मिनट के अंदर आपका आर्टरियल फेज, पोर्टल फेज, वेनस फेज तीनों आना चाहिए। तो ये 16 सेकंड का मेरा स्कैन था, ये भी प्रोटोकॉल में शो हो रहा है। पेशेंट के ऊपर मैंने जितना एरिया कवरेज किया था उसके ऊपर वो 14 सेकंड का कुछ टाइम दे रहा था। तो इस तरह से आपको काउंट करना होता है, ये 16, 16, 32 और ये 25, तो ये कितना हो गया, 50, 57, 57 सेकंड ये हो गया। फिर 5 सेकंड का आर्टरियल का डिलीट टाइम था, 5 सेकंड का पोर्टल का डिलीट टाइम था और 10 सेकंड का वेनस का डिलीट टाइम था। तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 सेकंड के अंदर में कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आर्टरियल फेस का जो डिलीट टाइम है जितना मिनिमम हो सके उतना कम रखना है। यहाँ पे 5.4 इससे कम होने का चांस नहीं है, तो नहीं हो रहा है। अगर आप 3 सेकंड रख सकते हैं तो और बेटर है, 3 सेकंड रख लीजिए। पोर्टल फेस का टाइम आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, तो मैं 3 सेकंड रख रहा हूँ, फिर भी नहीं होगा, वो 5.7 ही ले रहा है। बट आप पेशेंट के ऊपर जब प्लानिंग करेंगे तो वो 4.4 सेकंड तक का लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये है। और फिर वेनस फेस का 10 सेकंड का मैंने टाइम रखा हूं। तो यही था, इस तरह से आपको टाइम सेट करना है। तो रेडियोग्राफर्स, यही था कंप्लीट प्रोसेस। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।